गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं नेचुरल रिसोर्स के जो सेकंड टॉपिक है उस पर बात करूंगा। आज हम लोग बात करेंगे विंड के कैसे विंड का कॉज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विंड, व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर। फिर हम लोग रेन की बात करेंगे और एयर पोल्यूशन और कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन और उसके इफेक्ट्स पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा विंड क्या है, आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ा है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो वेन एवर योर एयर मूव्स इट इज नोन एज विंड। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एयर है वो मूव कैसे करता है। तो एयर का जो मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग। फर्स्ट जो है वो हीटिंग की वजह से होता है। एक्चुअली जब जो सन की जो रेज है वो पड़ती हैं तो वो आपके सरफेस को अनइवनली हीट करती हैं। तो कहीं का जो सरफेस है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, कहीं का सरफेस कम हीट होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका सरफेस जहाँ ज़्यादा एयर हीट हुई है वहाँ से एयर क्या करती है, दैट स्टार्ट राइजिंग अप। व्हेन एयर गेट्स हीटेड अप इट स्टार्ट राइजिंग अप। तो जो आपका एयर है वो क्या होता है कि बेटा इट स्टार्ट राइजिंग अप, तो उस प्लेस को फिल करने के लिए जो आपकी कोल्ड एयर है वो आकर के उस प्लेस को क्या करती है, फिल करती है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ पैटर्न एंड योर एयर मूव्स एंड दैट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो ये तो बात हो गई कि हीटिंग ऑफ एयर दैट कॉजेज विंड। फिर है योर फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से भी एयर में मूवमेंट्स आती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मूवमेंट ऑफ एयर को कंट्रोल करते हैं कि किस तरफ से किस तरफ ये मूवमेंट होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अनइवन हीटिंग होती है उस अनइवन हीटिंग की वजह से एयर मूव करती है। तो जहाँ पे एयर हीट हो जाएगी वहाँ पे जो वहाँ का जो एयर है वो दैट स्टार्ट राइजिंग अप, तो वहाँ एक क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जो हैवी एयर है जिसमें वाटर वेपर है जो कि मॉइस्चर कंटेंट की हुई है वो उस प्लेस को फिल करने आएगी। तो हाई प्रेशर टू एयर किस तरफ फ्लो करेगी, लो प्रेशर की तरफ, और दैट इज बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग। तो ये जो विंड है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और हीटिंग एयर की हीट की वजह से और अनइवन हीटिंग ऑफ सरफेस की वजह से आपके जो मूवमेंट्स होते हैं ये होते हैं। अब ये जो मूवमेंट्स है, जो विंड की मूवमेंट्स है, ये इवेंचुअली दैट इज द कॉज ऑफ रेन। बारिश कैसे होती है, एक्चुअली क्या है कि जो वाटर वेपर्स हैं, जो आपके जो वाटर का सरफेस है वो सन की हीट से जब क्या होता है, हीट अप हो जाता है, तो इट स्टार्ट राइजिंग अप। और जो एयर ऊपर जा रही है वो अपने साथ वाटर वेपर को भी लेके ऊपर जाती है। जब आपका जो ये एयर है जब वो पहुंचती है क्लाउड्स में, तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो आपके ये वाटर वेपर्स हैं जो अभी तक गैसेस स्टेट में थे, वेपर स्टेट में थे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में होने के बाद उन वाटर वेपर्स को कोई ना कोई एक न्यूक्लियस चाहिए, कोई ना कोई उनको इम्प्योरिटीज चाहिए। जब ये जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कंडेंस हो गए हैं जा करके आपके एटमॉस्फेयर में, उनको जब कोई इम्प्योरिटी मिल जाती है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, तो वो उसके चारों ओर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके चारों ओर एक वो सेट बना लेते हैं। तो उस न्यूक्लियस के चारों ओर जब वो सेट बना लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में, और धीरे 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 वो आइस बर्स का फॉर्म ले लेते हैं। और जब वो हैवी हो जाते हैं तो दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। लेकिन अगर ये जो टेम्परेचर है ये कम, बहुत ज़्यादा कम है, तो जो आपकी वाटर की जो पोरिंग है, जो रेन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती है, हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर जो है कम है तो जो आइस है वो आइस फॉर्म में ही नीचे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एक बड़ा ही जो है इस समय सबसे जो बड़ा जो बर्निंग जो टॉपिक है वो है बेटा एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एनीथिंग इज नोन एज पोल्यूशन। और जब वही अनडिजायरेबल चेंज एयर में है तो दैट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है, एनी डैमेज इन द कंटेंट ऑफ एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। अभी जब ठंडियों में आप देखिए जो कुहासा पड़ता है, जो स्मॉग है, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन
का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम होती है वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनके उनके सरफेस पर आपको लाइकेंस दिखेंगे, जो कि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी। तो लाइकेंस आर द सिंबल्स दैट इफ देर इज ऑन द बार्क ऑफ द प्लांट देर इज लाइकेंस, इट मीन्स दैट एयर पोल्यूशन इज लेस। लेकिन अगर वो कम है इसका मतलब कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एयर पोल्यूशन के कॉजेस बड़ा ही सिंपल है, आप सारे लोग जानते हैं कि जो जितने भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं और इसके अलावा जितने भी फैक्ट्रीज और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनका जो स्मोक है, ऑल दिस लीड टू द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आप देखिए जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, दे ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द मेन कॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो। ये कोल, पेट्रोल, डीजल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो के ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं और वहाँ दे कन्वर्ट इनटू एसिड एंड दे मे कॉज फॉर द एसिड रेन। अभी आपको एयर पोल्यूशन की ही वजह से कहा जाता है कि जो पहली बारिश उसमें मत भीगिए, बिकॉज दैट रेन मे कंटेन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ योर एसिड्स एंड दे मे बी हार्मफुल फॉर यू। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पे बात हो गई, ऑल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल द एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज एंड द एग्जॉस्ट फ्रॉम योर ऑटोमोबाइल्स, दे आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो द मेजर इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एलर्जी। ड्यू टू एयर पोल्यूशन नाउ डेज मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, दे हैव द एलर्जी फॉर डस्ट पार्टिकल। क्योंकि ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको धूल से एलर्जी हो जाती है, जिनको डिफरेंट टाइप्स के फूड से एलर्जी हो जाती है। तो जो डिफरेंट एलर्जीज हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन। कैंसर, कैंसर वन ऑफ द डेडली डिजीज, वन ऑफ द डेडली इलनेस। ये जो कैंसर है दैट इज दैट मे कॉज बिकॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन। एक्चुअली कैंसर कई टाइप का होता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कैंसर है दैट इज बिकॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन। एंड हार्ट डिजीजेज, जो हार्ट की डिजीजेज हैं वो दे आर बिकॉज ऑफ योर एयर पोल्यूशन। तो इस सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वाई एयर मूव्स, दैट इज बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। जब भी वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा तो दैट इज ऑल्सो दैट मे कॉज द मूविंग ऑफ एयर। फैक्टर्स कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर की मूवमेंट है वो फिक्स पैटर्न में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ सरफेस। देन रेन, बारिश कैसे होती है, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। एयर पोल्यूशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं एयर पोल्यूशन और कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन जो आप हमेशा से बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है और उसके कौन कौन से कॉजेज एंड व्हाट आर द इफेक्ट। जो एयर पोल्यूशन, ये मेनली आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीजेस को भी प्रमोट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़िए और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, जो हम लोग नोट्स अभी भेजेंगे इसके साथ और वर्कशीट, उसमें आप पूछिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।